अलग अलग लिखते क्यों हैं? हाँ गुड। देखो इंडियन पॉलिटिक्स क्या होती है, भारतीय राजनीति, राजनीतियां जहां नीति हो, इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजव्यवस्था, राजव्यवस्था। ठीक है, देखो क्या फर्क है राजव्यवस्था और राजनीति में। जैसे स्कूल होता है और स्कूलिंग होता है, जैसे अगर स्कूल को हम डिफाइन करें, स्कूल में टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, गार्डन प्लेग्राउंड ये होता है, और स्कूलिंग का मतलब भी वही होता है जहाँ टीचर्स हो, बच्चे हो और जहाँ प्लेग्राउंड हो। कोई फर्क ऐसा लिटरली नहीं है, बस वर्ड के यूसेज में है। तो इंडियन पॉलिटी राजव्यवस्था और इंडियन पॉलिटिक्स राजनीति, जहाँ नीतियाँ इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकल पर्पज है वहाँ पॉलिटिक्स, और थियोरिटिकल प्रोसेसेस पॉलिटी। ऑलराइट, गॉट द पॉइंट। अब देखो जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राजव्यवस्था, तो कानून से रिलेटेड है। किससे? कानून, कौन बनाएगा कानून, क्या होता है कानून, और क्यों जरूरत है कानून की। किसी भी कंट्री को रन करने के लिए वहां का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग तब होगा जब कानून बनाए जाएंगे अच्छे। कानून क्या मद्देनजर देख के बनाए जाएंगे, हमारे देश में ही बताओ, चलो क्या मद्देनजर देखते हैं, कहां से हम लेते हैं वो प्रेरणा कानून बनाने की। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। पहले देखो, अगर आप IAS एंड PCS को एम कर रहे हैं, तो क्लास 11th, 12th, NCERT, ठीक है, या फिर ICSE बोर्ड की बुक्स, ठीक है, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत नाम है बुक का, इस बुक का नाम है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। दूसरी बुक है आर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बाय सुभाष कश्यप। ठीक है, ये है अगर आप एम कर रहे हो क्या IAS PCS। SSC के लिए, SSC के लिए जो क्लास में नोट्स आपको दिए जाएंगे, वेरी वेल प्रिपेयर्ड नोट्स, क्लास नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यहाँ के नोट्स बहुत है। क्योंकि SSC में देखो 100 क्वेश्चन का प्रिलिमिनरी हो गया है, ठीक है, 25 क्वेश्चन GS में है, और कम से कम 10 सब्जेक्ट है उसमें। इंडियन पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा है वैसे तो, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन के लिए इतना सब कुछ पढ़ना इज नॉट वर्थ। फिर हम कहीं मैथ्स या रीजनिंग या इंग्लिश में लैग करेंगे या बाकी सब्जेक्ट्स में लैग करेंगे। तो हमें SSC के लिए बस इतना करना है, और ये नोट से आप बाकी एग्जाम जैसे FCI या रेलवेज या DULLB, वो भी इस नोट से हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। मैंने मना करा ना, मैंने मना करा, सुनो, पीछे का मत सोचो, पीछे से कुछ नहीं होता। आज सोच लिया ना, ये आज से ढीला नहीं पड़ना है। अगर आज के बाद भी आप बाकी चीजें कर रहे हो जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर पीछे का भी नहीं कर पाते। ठीक है, जिस दिन ये सोच लिया मैंने इस क्लास आज कहां से स्टार्ट किया, जिस दिन आपने ये सोचा कि मुझे प्रिपरेशन करना है, उस दिन से आपका शुरू हो जाता है प्रिपरेशन टाइम। अब सीरियस हो जाओ, पीछे से कुछ नहीं। देखो हिस्ट्री इज मिस्ट्री, क्या हिस्ट्री इज मिस्ट्री, फ्यूचर इज पता नहीं क्या है, अभी तो नहीं पता, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, और प्रेजेंट मतलब अब का, यही प्रेजेंट है, यही टाइम है। इस टाइम आप क्या कर रहे हो, अगर इस टाइम को भी आप गवा रहे हो पीछे का सोचने में, तो फिर से वो गलतियां कर रहे हो। जितना मैंने बताया, अगर उस समय आपके दिमाग में पीछे की बातें चल रही हैं, तो यहां भी ध्यान नहीं लगा पाओगे, और पीछा पीछे का कभी आज तक कोई ठीक कर पाया, नहीं कर पाया। अगर अपना आज ठीक कर लो, तो आने वाला कल तो अपना आप ठीक हो जाएगा। ये बात ठीक है, अभी तक क्या सोचे थे, पास्ट पास्ट, अब क्या सोचने लग गए,
यही गड़बड़ बहुत स्टूडेंट्स कर रहे हैं। देखो बच्चे सुनो, आप इसी को फोकस रखो, टाइम मिल रहा है तो ये भी कर लो, टाइम मिल रहा है तो ये चीज भी कर लो, इसमें क्या गड़बड़ है? ठीक है, अगर ऐसा तो नहीं 18 घंटे दिन का पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो दिन का? जब अगर कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, मैं आपसे पूछा था कहां से हमें प्रेरणा मिलती है कानून बनाने की, तो वो प्रेरणा हमें देता है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमारे, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम बनाते हैं कानून। ठीक है, अब देखो ये जो कानून है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या? राइट, अब इट कंसिस्ट ऑफ, लिख लिया बच्चे, लिखते रहो साथ साथ, लाइट जलाऊं, लाइट जलाना है, हाँ तो पीछे मैं एक सेकंड जलवा देता हूँ। अरे प्रियंका, ये वाला लाइट जला देना, पीछे वाला जल गया, मैगी आ गया, हाँ अभी आ गया, आए को बता देना, अब दिखाई दे रहा है, आ गया। तो इसके अंदर है, राइट डाउन, इट कंसिस्ट ऑफ गवर्निंग प्रिंसिपल्स, लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ गवर्निंग प्रिंसिपल्स टू मेक अ लॉ, टू मेक अ लॉ। किसी कानून को बनाने के लिए जो मूलभूत सिद्धांत हमें चाहिए, ठीक है, मूलभूत सिद्धांत से समझते हो, ठीक है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स, लाइक कभी मूवी में देखा होगा गवाही दी जाती है तो गीता पे हाथ रख, ऐसा क्यों? गीता पे हाथ रख के कसम खाइए जो भी बोलूंगा, ऐसा क्यों? गीता ही क्यों? सबसे मेन क्या, मतलब किसी भगवान की तस्वीर दिलवा दो, अगर हिंदू है तो उसकी, अगर मुसलमान है तो वो, गीता ही क्यों? नहीं, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, क्योंकि देखो कानून कब टूटता है? जब इंसान अपने इंसानियत से भटकता है, और इंसानियत के मूलभूत सिद्धांत गीता में है, ठीक है, इसलिए गीता पर हाथ रखवाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो मूलभूत सिद्धांत है जिससे कानून बनाया जाए, समझ आई बात? राइट डाउन, हेडिंग डालो, हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ, हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ, ये हेडिंग का मतलब समझ आता है? अरे कट गया, समझ आता है मतलब, मतलब समझ आता है तो बताओ क्या होता है बिल? ये वही बिल है जो हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलता है जब कुछ खरीदते हैं मॉल वगैरह में, या कोई और बिल है? वो तो नहीं है नेचुरली, तो फिर कौन सा बिल है ये? और क्या फर्क है एक बिल में और एक लॉ में? बिल के अंदर नहीं, कतई नहीं ना। एक हिंट दे सकता हूं, लोकपाल बिल एंड लोकपाल एक्ट या लोकपाल कानून, तो बिल और कानून में जनरली कोई फर्क नहीं है, बस फर्क यह है इस पे आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, बिल पे, इस पे एक्शन ले सकते हैं। मान लो अगर कोई लोकपाल बिल आया है कि जिसके तहत इस आदमी को सजा दी जानी चाहिए, तो बिल पे वो सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर वो बिल बन जाता है कानून तो उसके तहत वो सजा दी जाएगी। 302 दफा, 302 दफा मींस एक्ट, एक्ट मींस कानून, तो कानून के तहत हमें सजा देते हैं, जब वो एक्ट बन रहा होगा उसके तहत हम सजा नहीं दे सकते। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा, पोटा एक्ट, ठीक है, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये सब कानून है। ठीक है, अब नया कानून आया है जीएसटी, क्या है जीएसटी? ये तो हर कोई जानता है, अब हिंदी में बताओ, तो वैसे बताओ, फुल फॉर्म बताओ, हिंदी में नहीं बताता तो इंग्लिश में बताओ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल। ठीक, हाँ हाँ हाँ, तो ये पहले था, ये पहले था जीएसटी बिल,
क्या था? बिल था, अब ये बन गया कानून। तो कैसे? तो कानून बन जाता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, कैसे बनता है एक बिल कानून। ठीक है, तो लिख लिया हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। ठीक है, तो अब आप राइट ऑफ। गुड गुड, बहुत अच्छे। तो पहले राइट डाउन बिल होता क्या है। राइट डाउन, इट इज अ ड्राफ्ट, बिल इज अ ड्राफ्ट ऑन विच डिस्कशन अकर्स, ऑन विच डिस्कशन अकर्स। देखो, एक बिल है, इसे पेश किया जाता है कहां पे? पार्लियामेंट में। कहां? पार्लियामेंट, संसद। संसद में इसे पेश किया जाता है, तो संसद में क्या होता है? इस पे पार्लियामेंट्री डिस्कशन। क्या होता है? पार्लियामेंट्री डिस्कशन, संसदीय परिचर्चा। संसदीय परिचर्चा। संसद के दो पार्ट क्या है? संसद के दो पार्ट, राज्यसभा, लोकसभा। इनमें अपर हाउस कौन सा, लोअर हाउस कौन सा? और अपर और लोअर, उल्टा, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। लिखो इसे। मैं, यही तो है, यही तो लॉजिक है, और इसी चीज को क्वेश्चन बनाते हैं लोग। ठीक है, पहले ये लिखो, अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन विच पार्लियामेंट्री डिस्कशन हैपेंस, ऑन विच पार्लियामेंट्री डिस्कशन हैपेंस। चाहे तो बायलिंगुअल में लिखते रहना, हिंदी में भी लिखते रहना। हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो इंग्लिश में काफी डिफिकल्ट रहती है बच्चों को, तो हिंदी में भी मैं बताते रहूंगा। ठीक है, पार्लियामेंट की दो डिस्कशन। फिर ये जब हो जाता है दोनों उससे पास, तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। कहाँ? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास। और अगर प्रेसिडेंट कर देता है साइन, तो ये बन जाता है एक्ट या लॉ। तो एक फ्लो डायग्राम में ये बना लो। हाँ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि बिल कानून कैसे बनेगा। ये बाद में जाके बहुत इलेबोरेट होगा। ठीक है, तो पहले एक फ्लो डायग्राम बना लो। बिल, एरो डालो, एरो के ऊपर लिखो पार्लियामेंट्री डिस्कशन, फिर लिखो प्रेसिडेंट, फिर लिखो साइन, फिर लिखो एक्ट। ठीक है, फर्क क्या है एक्ट, लॉ और बिल में? यहां लिखो इट इज एग्जीक्यूटेबल एंड इट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल, ई एक्स सी सी यू पी ए बी एल, फर्क ये है। हाँ, गुड है, गुड है। यहां लिखो कि ये एग्जीक्यूटेबल है, ओ सॉरी, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है और वो एग्जीक्यूटेबल है। हाँ, वैसे कोई फर्क नहीं है दोनों में, वैसे कोई फर्क नहीं है दोनों में, वही लिखा हुआ है बिल में भी जो कानून में लिखा हुआ है। अभी बताता हूं, लिख लिया, स्पेलिंग बताऊं? स्पेलिंग है ई एक्स ई, हो गया क्यूटेबल, क्या मतलब है? हाँ, देखो, एग्जीक्यूटेबल मतलब एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना मतलब इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करना मतलब जो हम कर सकते हैं, जिसके साथ हमारे पास पावर्स है। ठीक, हाँ, ठीक है, समझ आई बात? तो यही फर्क है। हेडिंग डाल, बिल में नहीं हो सकता, एक्ट में, और हो सकता है एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूटेबल है, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है। तो एक काम करना, साइड में एक कॉलम भी बनाते रहना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देते जाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो राइट डाउन व्हाट इज, बराबर एक क्वेश्चन लिखो या कैसे भी लिख लो, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मेकिंग लॉ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मेकिंग लॉ। बताओ आंसर। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर है संविधान, संविधान। यही तो, यही है। और ऐसा नहीं तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें पता था, लेकिन एग्जाम में यही होता है। देखो सुन लो पहले ये चीज, 4,4400 वैकेंसी हैं सीजीएल में इस साल, और कितने एप्लीकेशंस हैं, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, लाखों में, ठीक है, कितना लाख, फिर भी अंदाजा। ये एप्लीकेशन है, समझ आया, ये कंपटीशन है। 1,60,00,000 एप्लीकेशन है सीजीएल के लिए, और ये रिकॉर्ड है एशिया का, किसी सिंगल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इतना एप्लीकेशन आना। ठीक है, तो अगर ये 4,400 है और इसे मैं मान लूं 1.6 लाख, एक बच्चे को किस कितने से कंपीट करना है, 1,60,00,000 को लिखो जरा। ये देखो ऐसा है हुआ, 1,60,00,000 ये है, ठीक है, और यहां पर 4,400 है, ठीक है, तो कितना रेशियो बैठा एक बच्चे का, वो कर लो, चलो से 4,000 कर लो, 3 तो 3 ये गई, ठीक है, 4/16,000 यानी 1:4,000, यानी 4,000 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होना है, यानी आपको 4,000 बच्चों से ऊपर आना है। घबराना नहीं है इससे, बहुत अच्छे से आसान, बहुत अच्छे से पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम सिंसियरली, सिर्फ हमें क्या होना है, देखो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम सीरियस हो जाते हैं एग्जाम के लिए, हम सिंसियर नहीं होते, हमें सिंसियर होना है, सीरियस नहीं होना है। सीरियस कौन होता है, यार पढ़ना है पढ़ना है, इस साल जॉब लेनी है लेनी है, यार इस साल ये करना है करना है, घर वाले कह रहे हैं, ये सीरियसनेस है, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, दिमाग में है पढ़ नहीं रहे। सिंसियर क्या है कि हैबिट बना लो, जैसे खाते पीते हो वैसे पढ़ाई करो, रोज का 5 घंटे, चाहे आंधी आए तूफान आए, कि बहन की शादी है भाई की शादी है, 4 से 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ये आदत है। देखो जब बहन की शादी आती है, बीमार हो जाते हैं, क्या खाना पीना हमारा रुक जाता है, ऐसी पढ़ाई है, अगर आदत बन जाएगी। अभी तक हमारा ये पढ़ाई क्या बना हुआ है, बोझ बना हुआ है, प्रेशर में हो रहा है, और प्रेशर में करी हुई चीज कभी भी आपको सक्सेस और रिजल्ट नहीं देगी, ध्यान में रख लेना, ठीक है, समझ आए बात। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेपरेशन ऑफ पावर्स, नेक्स्ट टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर्स, ताकतों का पृथकता, पृथक मतलब अलग अलग करना, ताकतों की पृथकता। तो क्वेश्चन लिखो एग्जाम में, वो एक साइड में क्वेश्चन लिखो, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो आंसर है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के बहुत बड़े थिंकर थे, जिन्होंने अपने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और भी कई संविधान बनाने में इनका हाथ था। तो मॉन्टेस्क्यू बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और इन्होंने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, हाँ ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अकेले ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया अकेला, ये सेपरेशन ऑफ पावर बस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है पूरी दुनिया का, तो इसमें कहीं से कोई कॉन्सेप्ट उठा लिया, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट उठा लिया, कहीं से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, जो कहता है देर शुड बी, राइट ऑन, देर शुड बी फोर एस्टेट्स ऑफ पावर, फोर एस्टेट्स ऑफ पावर, ठीक है, लिखो। फ्रांस, देर शुड बी फोर एस्टेट्स ऑफ पावर, लिखिए ये लाइन लिखो बच्चे, मतलब बाद में बताऊंगा, पहले लिखो। हाँ जी,
दे, हाँ देर शुट, द शुट नहीं है, गलत लिखा है, द गलत लिखा है, देर शुट, इसलिए 7 साल। एस्ट्रिट मुझे सर जानते हो, मुझे सर गांव तो जानते होंगे, मुझे सर गांव देखा है, हरियाणा में मुझे सर गांव पड़ता है, फरीदाबाद से लगता हुआ, गए नहीं। एस्टेट, एस्टेट का मतलब होता है पिलर्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट पिलर्स। जैसे मान लो हमारा आपका परिवार है, तो हमारे परिवार को जो चलाता है वो उसका एस्टेट है, वो उसका पिलर है, ठीक है। यहीं से इनकम आता है, यहीं से थिंकिंग आती है, यहीं से डिसीजन आते हैं, तो वो होता है एस्टेट। तो पहला एस्टेट लिखो, एग्जीक्यूटिव, प्रशासनिक, प्रशासनिक, तो कौन होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका चलता है देश में प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करे लॉ को, जो लॉ को एग्जीक्यूट करे। तो इनका काम क्या होता है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये काम होता है, हाँ, जो उस कानून को चलाए। नेक्स्ट, फिर लिखो लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, वैधानिक, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, सुना है ना, तो लेजिस्लेशन मतलब वैधानिक, वहीं से आया है ये वर्ड, वैधानिक, लेजिस्लेशन, वैधानिक। तो इसमें आएगा आपका पार्लियामेंट। तो यही तीन होते हैं किसी देश को चलाने के लिए, लेकिन पिछले 10-20 सालों में एक एस्टेट ऐसा और आया है जिसके बिना नहीं हो सकता, कोई देश अच्छे से नहीं हो सकता, चल सकता, वो है प्रेस, मीडिया, ठीक है। ये क्या करता है, ये जानकारी फैलाता है कि ऐसा भी कोई कानून है, ठीक है, आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा भी कोई कानून है, इसके तहत आप न्याय पा सकते हैं। जागो ग्राहक जागो, क्या है जागो ग्राहक जागो, ये कानून है जो जो एक ये कैंपेन है जिससे ग्राहक को जगाया जा रहा है कि अगर आपके साथ गलत है तो कंज्यूमर कोर्ट्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। इतने सारे लॉज हैं, ठीक है, इतने ये कहते हैं 18 मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, और ये सब कानून कौन देता है, मैं, मीडिया देता है, प्रेस देता है, ठीक है। तो राइट डाउन अ क्वेश्चन, ये आया था, आईएएस का क्वेश्चन है, विच इज द फोर्थ एस्टेट, विच इज द फोर्थ एस्टेट ऑफ पावर, विच इज द फोर्थ एस्टेट ऑफ पावर, एक क्वेश्चन और लिखो, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये अलग है, हम डिस्कस करेंगे अभी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, नेक्स्ट लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, विच हाउस, हाउस के बाद अपोस्ट्रॉफी एस, मेंबर्स आर कॉल्ड, कितनी पार्लियामेंट है, दो ना, एक है, ठीक है, और इसके दो हाउसेज हैं, कौन कौन से, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस, लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस। राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो होता है पीपल रिप्रेजेंटेटिव, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ अभी लिख लो, मैं सब समझाऊंगा, फिर है पीपल इलेक्टिव, पीपल इलेक्टिव, यहाँ का मेंबर भी एमपी, यहाँ का मेंबर भी एमपी, यहाँ पर है 250 सीट्स, यहाँ पर है 545 सीट्स,
यहां पर है इलेक्टोरल कॉलेज, तरीका चुनने का यहां पर है जनरल इलेक्शंस। लिख लिया? हाँ, अब ये लिख लिया। पहले सब लिख लो, फिर एक एक चीज बताऊंगा। अब देखो, एक पार्लियामेंट है, ठीक है? पार्लियामेंट का कंसेप्ट, एक क्वेश्चन लिखो। द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये अपर हाउस, ये लोअर हाउस। अपर हाउस और लोअर हाउस से मतलब पावर से नहीं है, पावरफुल लोअर हाउस है, ठीक है? लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, राज्यसभा कम पावरफुल। लेकिन यहां के लोग कहलाए जाते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव। पीपल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो चुने हुए नहीं है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, रिकमेंडेड है, नॉमिनेटेड है, ठीक है? यहाँ के लोग वो हैं जो चुन के आए हुए हैं। यहाँ का मेंबर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ का मेंबर भी ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन यहाँ के लोग चुन के आए हैं, इलेक्शन द्वारा आए हैं, और यहाँ के लोग रिकमेंडेड। जैसे सचिन तेंदुलकर है, कभी किसी ने वोट दिया सचिन तेंदुलकर के लिए? नहीं। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है? हेमा मालिनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है? ऐसे ही तो वो लोग रिकमेंडेड है। राज्यसभा में कितना सीट्स है? 250, लोकसभा में 545। यहां पर किसी का पार्टी बनेगा तो कितना मेजोरिटी चाहिए, कितना सीट चाहिए? अभी किसकी सरकार है? केंद्र। कितनी सीट्स हैं? हाँ? कितना होगा? हाँ बताओ। अब हाफ करोगे? जल्दी तेज बनना है, मैथ्स में तेज होना है। 544 का आधा 500 का आधा, हाँ 272। तो 273 सीट्स चाहिए, ठीक है? ये लिखा नहीं है, छोड़ो से। और यहाँ पर 250, टोटल कितना सीट्स हो गए? 250 प्लस 545, 555। कितना हुआ? हाँ, तो उल्टा ही क्यों बोल रहे हमेशा, ठीक है? अलग 795 सीट्स आपका है यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर जो लोग आते हैं तो उनको रिकमेंड करने के लिए भी वोटिंग होता है। वो वोटिंग आम आदमी नहीं करते, वो यहीं के मेंबर करते हैं, और उस सिस्टम को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज, उस वोटिंग सिस्टम को। यहाँ के लोगों के लिए जो वोटिंग होता है वो आम आदमी करता है, और उसे बोलते हैं जनरल इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन। जैसे हाँ वही करता है, वही करता है, ठीक है? जैसे अभी आपका कौन है वो, कब हुए थे जनरल इलेक्शन अभी लोकसभा के देश में? 2014 में हुए थे। अब कब होंगे? 2019 में। तो इसका एक 5 साल का टेन्योर होता है। क्या होता है टेन्योर? ये वर्ड समझते हो? TENUR, टेन्योर मतलब जितना ड्यूरेशन है इसका, लोकसभा का, ठीक है? 5 साल का टेन्योर होता है। राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है, ठीक है? इसका कोई टेन्योर नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का टेन्योर है 6 साल का। यानी हमेशा लोकसभा डिसॉल्व होती है, लोकसभा खत्म होती है, लेकिन राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती। ये समझ आया? क्योंकि यहाँ पे नहीं जरूरत है हमें खत्म करने की, क्योंकि ये है अपर हाउस, ये है रिकमेंडेड। यहाँ के लोग जो हैं वो जानते हैं क्या, कि लोग वो लोगों में से उठ के आए हैं, चुन के आए हैं,
जो लोगों की समस्याएं जानते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं ठीक से काम करेंगे तो हमें वो लोग चाहिए जो अच्छे से जान सके समस्या। यहाँ के लोग इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब ये इंटेलिजेंट लोग हैं जो जानते हैं किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए कैसे देश चलाना है। तो दोनों हाउसेस की जरूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ के मेंबर का भी ड्यूरेशन है, हाँ, लेकिन पूरा लोकसभा कभी चेंज नहीं होगा, एक साथ सारे जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आया ये? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी काफी बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसे अच्छे से तैयार करेंगे, और एसएससी के लिए भी और हर एग्जाम के लिए जिसमें इंडियन पॉलिटी आता है। वोट करते हैं, हाँ, वो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इससे 2 टॉपिक बाद आएगा, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आएगा उसमें, ठीक है। अलग उससे पहले कि पहले कौन बने थे, पहले कैसे चुना गया, हाँ ना ना ना, उसमें ऐसा नहीं है, हाँ, उसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ तो वो लोग हैं जो वो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो स्टेट का इलेक्शन है, ये अभी हम पार्लियामेंट कर रहे हैं, पार्लियामेंट देश में एक है। ना ना, अच्छा वो जो आए थे, हाँ, सुनो सुनो, वो हम जो एमएलए होते हैं, जो एमएलसी होते हैं, उन वो चुने जाते हैं ताकि वो आगे वोट करें और आगे बनाए एमपी। चाहिए चाहिए किन किन, हाँ, नहीं इनका भी होगा, ये पूरा सिस्टम में जब समझाऊंगा ना तुम्हें तब समझ आएगा। अभी इतना आगे नहीं सोचना है, ठीक है, अभी इतना आगे से नहीं सोचना है, सिर्फ बीच का गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अब तो जैसे मैंने सर अभी हमने 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वेयर हैज फ्रॉम विच कंट्री डिड पार्लियामेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन टेकन, ये एग्जाम में आते हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर आते हैं। क्या फर्क है, देखो एक क्लास है 100 स्टूडेंट्स का, ठीक है, और मैंने 50-50 में डिवाइड करके 1/50 में से मॉनिटर बना दिया, ठीक है, एक 50 बच्चों पे एक मॉनिटर है, एक 50 बच्चों पे एक मॉनिटर, ये मैंने किया सेपरेशन ऑफ पावर, मैंने ताकतों को अलग कर लिया। अब मैं लाया हूँ चॉकलेट्स का पैकेट लाया हूँ और 50 बच्चों को बोल दिया, ये एक मॉनिटर को दे दिया और बोल दिया बांट दो आपस में, तो वो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो चलेगा हर स्टेट में अलग अलग कार्यों के लिए, सेपरेशन है किसी देश को चलाने के लिए कितने 4 पिलर्स को आपको चाहिए, ठीक है, समझ रहे। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है वो 4 पिलर पे बन रही है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर अलग अलग कमरे तो होंगे, वही चीज है। और कोई डाउट बताओ, इसमें 3 बनाए, ये बना है प्रेस एक्ट, ठीक है, एक्चुअली डिमांड तो इसकी हो गई थी 1990 से, ये बना था 2002 में जाके जो फ्रांस में बनाया था, वो 3 वाला था, नहीं वहां भी आ गया है, वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में, गुड, वहां जब आएगा वो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, नहीं, अगर जानना ही है तो गूगल पे चेक करो, इतना नहीं डेप्थ में जाना है, क्योंकि फ्रांस आप क्या पढ़ रहे हो, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, फ्रांस हमारे से पहले से आजाद, तो बहुत पहले हमारे से आ गया होगा वहां पर प्रेस एक्ट, और बहुत पहले बहुत चीजें आ गई होंगी, हमारा कंट्री बहुत बाद में आजाद हुआ है इसलिए कम डेवलप्ड है, ठीक है। तो अब और के डाउट, बहुत अच्छे, अपनी नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया नहीं है, हाँ देख के हो, देख के हुआ है, देखो नेचुरल सी बात है, आप खुद सोचो आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, किसी भी चीज की, एडिडास है, ठीक है। अब
कोई नई कंपनी आपने ही खोली कल स्पोर्ट्स की, और आप देख रहे हो एडिडास अपने अपने प्रोडक्ट्स ऐसे बेच रहा है, ऐसे कर रहा है, तो आप भी कोशिश करो कि मैं भी वो सर्विसेज दूं, मैं भी वो करूं। ऐसे ही हमारा हमारा देश बाद में आजाद हुआ, बाद में जरूरत पड़ी तो लोगों को सेटिस्फाई करने के तरीके जैसे बाहर के देशों में हो रहे हैं वैसा हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले हमारे देश में काफी सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, ये सब था। नहीं पूरा नहीं, पूरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। हाँ, तभी यहां पर 14 14 साल तक केसेस लटकते हैं, तभी यहां पर पंद्रह पंद्रह हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं उसके लिए। उसके लिए करप्शन भी है, उसके लिए आपको सिस्टमाइजेशन भी है, उसके लिए आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी है। होगा, टाइम लगेगा, 50 100 साल। तो फिर सुनो, दुविधा है लेकिन फिर कट्टरपन भी है। जैसे अगर सऊदी अरब की बात करूं मैं, कि अगर कोई भी मामला आया है चोरी से रिलेटेड तो फांसी लगनी लगनी है, लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो हाँ, तो ये क्राइम तो कम हो गया, लेकिन इसमें फंसता कौन है? इनोसेंट भी फंसता है। किसी गलत आदमी ने चोरी का इंजाम लगा दिया, हाँ भाई तूने ही किया है, साबित भी हो गया, तो वो इनोसेंट की जान गई बात। तो ये चीज है, ये चीज है। ठीक है, और डाउट पूछो। अब देखो सिकंदर, जो आप यहां पढ़ते हो ये मत समझ लेना कि मैं कोचिंग लेके आया हूं, इस बार तो क्रैक कर ही लूंगा एग्जाम। आपका असली ग्रोथ स्टार्ट होता है घर पे जाके। जितना प्रैक्टिस और रिवीजन आपका रहेगा, जो आज पढ़ा है वो आज ही रिवाइज होना है, अगले दिन पे नहीं छोड़ना। हाँ पूछो। हाँ, ये सब पढ़ेंगे, ये हम बिल के तहत ही पढ़ेंगे। हम अभी तो सुनो, हम इंट्रोडक्शन पे हैं, कम से कम 4 से 5 क्लासेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक एक धाराएं हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंपॉर्टेंट है, उन धाराओं से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगले साल से लेना है।